इस साइड में हम कल रात को थे, अभी वर्णों को करते हैं अलविदा और निकलते हम दीवर की तरफ। आलिया रस मदनवा रस दिल करा रस बोलिए अंदर निबरई। ये चेक करें जरा यार, खूबसूरत खूबसूरत व्यूज। ऊपर पहाड़ के ना टॉप पे बर्फ पड़ी है और नीचे लैंडस्केप देखो अमेजिंग। यह है जी कुलगाम का इलाका जिसको हमने ना कल स्किप किया था गोप्रो न चलने की वजह से, मतलब गोप्रो की बैटरी की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। यहीं आगे हमें लेफ्ट लेना है डिवर के लिए, यही ना जुनी? ठीक, तो यहाँ से हमने लेफ्ट लेना है। यहाँ से चले जी, यहाँ से अब हमारा जो सफ़र है दिवर लोलाब की तरफ शुरू होगा। कितना दूर होगा दिवर? 15 किलोमीटर दूर अभी है, बट फील देखें ज़रा। इंटीरियर्स में हम लोग जा रहे हैं। ये रूट जो है ये लालपुर पहुँचेगा, तो लालपुरा के बाद हमें जाना है फिर दिवर। तो मैंने आपसे ना पहले ही बोला था कि कोशिश मेरी रहेगी कि जो पार्ट लोला वैली का आपने नहीं देखा होगा उसको इंशाल्लाह हम ना अपने वीडियोस में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप यहाँ के व्यूज़ एंजॉय करें, कितने अमेजिंग और ब्यूटीफुल व्यूज़ हैं, क्या लैंडस्केप है माशाल्लाह। ये वही नाला है जहाँ हम ऊपर गए थे। तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे रोड्स बने हैं जो इंटरनली ना कनेक्ट करते हैं लोलाब वैली के बाकी सारे गांव हैं उनको इंटरनली कनेक्ट करते हैं। जाए क्या वा ना, यहाँ से जाके क्रूसन आएगा सामने, फिर लेफ्ट लेना। ठीक, सीधा दिवर। जगह का नाम क्या? साइमन। चलें जी, इस कोशरी कोशरी। हाँ चले, साइमन है जगह का नाम जो हमने अभी ना आपके लिए और अपने लिए कंफर्म किया, साइमन। तो भी आगे हम क्रूसन पहुंचेंगे, क्रूसन के बाद जो है फिर देखा जाएगा। प्योर नेचुरल कल्चर, बिल्कुल अमेजिंग व्यूज। अभी हम लोग हैं क्रूसन में, ये बस्ती वगैरह जो है इसको कहते हैं क्रूसन। इसके बाद लालपुर जगह एक है वो आने वाली है। मतलब कह सकते हैं कि सारी जो वैली है ना लोलाब वैली, हर गांव फेमस है किसी न किसी जगह से, किसी न किसी वजह से। तो जी इस जगह का नाम है दारपोरा, इसके बाद लालपुर आएगा। दो तीन नाम थे फेमस यहां पहले जब हम बसेस में आते थे, दिवर अंदरबुग और लोलाब, ये तीन नाम थे जो बड़े फेमस हुआ करते थे। मतलब जो भी नाम लेता था वो लोला वैली का, तो वो ऐसे इन तीन जगहों का नाम साथ में लेते थे। आज हर जगह बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। सलाम अलैकुम। अच्छा खासा ट्रैफिक का रश मिल रहा है। हमें एक चीज़ दिखाना मैं मुनासिब समझूंगा जो आज रेयर है कश्मीर में, ये है जी हैंडसा। ऐसे लकड़ी को चीरा जाता था अपने टाइम पे, तो ये था एक ज़माना। अब आजकल ना इसके बजाय बैंडसाज वगैरह आ चुके हैं, इन्होंने इसकी जगह ले ली है। तो अभी यहाँ पे ज़िंदा है। हम लोग पहुँचे हैं लालपुर, जामा मस्जिद है लालपुरा की, माशाल्लाह बहुत बड़ी जामा मस्जिद है और बिल्कुल पीसफुल जगह फील हो रही है। ये यहाँ पे हेल्थ सेंटर इनका, 6 किलो आलू 100 रुपये को मिल रहे हैं। अगर आपको ख़रीदने हैं तो आप लालपुरा आ सकते हैं। वो वाली मस्जिद ना देखो ज़रा, उसका डिज़ाइन क्या है माशाल्लाह, बहुत अमेजिंग है। ये क्या, इस साइड में भी मस्जिद शरीफ, उस साइड में भी मस्जिद शरीफ। ओह माय गॉड, दिस इज नॉट गुड। तो जी ये है लालपुर, लालपुरा का मरकजी मार्केट। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर का फासला है दिवर के लिए,
और जब हमने राइड की थी ना ZMR बारामूला के साथ, तब हम इसी रूट से आए थे, लेकिन इतना रश ना गाड़ियों का वगैरह ये हमें देखने को उस दिन नहीं मिला। बस हम बाइकर्स थे जो उस वक्त ना रोड पे चला करते थे। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, बहुत ज़्यादा गाड़ियों का ना दबाव बढ़ चुका है रोड्स पे। एक और चीज़ आपके साथ में शेयर करनी है मुझे, वो जो मैंने त्रिमुखा टॉप पे बोला था, इस चीज़ के लिए बिस्मिल्लाह। ये जी हैं पॉन्ड्स, यहाँ पे वाटर पॉन्ड्स जिनको ना लोकली कहते हैं सर। तो ये आई थिंक बख्शी के ज़माने में ना जिन्हें, हाँ ये लगभग बख्शी के ज़माने में बनाए गए थे पूरे लोला वैली में। इसका फ़ायदा ये हुआ करता था कि ये जो पूरी वैली है इसमें पानी कम हुआ करता था, ख़ास करके एग्रीकल्चर के लिए। तो एग्रीकल्चर के लिए हर जगह ऐसे पॉन्ड्स बनाए गए थे, तो पूरे जो है लोला वैली में आपको ऐसे पॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। और त्रिमुखा से भी हमने यही पॉन्ड्स वगैरह दिखाए थे। तो वहाँ से पड़ता है सोगाम, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और सोगाम वाले साइड से ही फिर वापस जाएंगे। तो ये था एक इंफॉर्मेटिव चीज़ जो मशहूर है लोला वैली में, तो आपके साथ शेयर करना मैंने मुनासिब समझा। चलते हैं आगे की तरफ। चलो जी अभी स्क्रैम्बलर को चलाते हैं भाई, थ्रॉटल थोड़ा ना, हाँ बिल्कुल तरीके से है। बिस्मिल्लाह, इसका क्लच बहुत हार्ड है भाई, शायद इस जगह का नाम ना रेड नाग है। तो हाँ, तो जुनैद बता रहा है कि अभी कंफर्म हो गया बोर्ड पे। ये खूबी है जी इंटरकॉम कम्युनिकेशन का, भाई दिवे इसका सीट इतना मुझे सॉफ्ट लगा कहने की बात ही नहीं। तो चलो जी आप एंजॉय करें रेदनाक के व्यूज़, और इसके बाद जो है नेक्स्ट जगह कौन सी होगी ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। लेफ्ट से अगर हम निकलेंगे तो मुकाम पहुंचेंगे, कितना दूर होगा मुकाम? तो जाना था भाई आज। अभी देवर कितना दूर है? ठीक है, तो देवर से वापस आके जाए मुकाम। अरे आप लोग डरते हो यार, मैं 9 बजे पूरा देवर से निकलूंगा घर, रात को 9 बजे निकलूंगा भाई। मैं तो प्रो हूँ, अगर मैं ली नहीं करूँगा तो कौन करेगा। जुनैद अच्छे जचते हो 390 एडवेंचर पे। हम कह सकते हैं कि हम लोग देवर में एंटर हो चुके हैं। अभी हमारा देवर का ना डेस्टिनेशन कहाँ है वहाँ तक अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप तब तक ना एंजॉय करें सीन्स। ये है जी पॉन्ड सर, यहाँ एक और मतलब जगह जगह हमें देखने को मिलेंगे सर वगैरह इस पूरे रीजन में, जो इसकी खूबी जो है ना खूबी बढ़ा देता है। उस ज़माने में ना देखो कितना काम हुआ था डेवलपमेंट का, आज के ज़माने में मुझे नहीं लगता है कि ऐसी चीज़ें पॉसिबल थी करना। पानी तेरे चश्मों का उबलता हुआ सीमाब, ऐ वादी लोलाब, ऐ वादी लोलाब। तो हम लोग ऑफिशियली जो है देवर मार्केट में एंटर हो चुके हैं। जब मैं छोटा था तब यहाँ आया करते थे हम रिलेटिव्स के यहाँ, तब हम गोमा करते थे ऐसी जगहों पे, मतलब ऐसे मार्केट वगैरह जाते थे, हमें भेजा जाता था कोई चीज़ दुकान से लाने के लिए। पुरानी जामिया मस्जिद यहाँ पे थी, तो शायद इसको आज ना फिर से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है। अच्छा करो सलाम पत्नी रहो इस। ठीक है जी, चलो अभी हम जा रहे हैं, हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं यहाँ, अज़ीज़ हैं, उनसे मिलने जाते हैं और उसके बाद जो है अपना सफ़र उसको कंटिन्यू रखते हैं। पुरानी यादें हैं, हाय 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 हाय। अगर ऐसे बात हाँ जी ठीक, बहुत 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 सारा चेंज हो गया है यहाँ, देख सकते हैं आप हर जगह अखरोटों के ना दरख्त मौजूद हैं।